नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खुशाबद्दीत। मैं शुभांकर चैटर्जी और ये मेरी पागल बीवी ये मेरी पागल बीवी जो कि अभी रेडी हो रही है बहुत टाइम से, बहुत टाइम लगा रही है इसको। मैं कब से बोल रहा हूँ जल्दी से रेडी हो जा, लेकिन नहीं हो रही है। मैं आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ। और मेरी बीवी ने अपने लिए अच्छा सा परफ्यूम ठीक है मंगवा लिया और मेरे लिए नहीं मंगवाया। ये बहुत सही परफ्यूम है और मेरे लिए नहीं मंगवाया। तो आज जैसा कि आपने इससे पहले हमारी शादी का ब्लॉग देखा, शादी फाइनली हमने कर ली, फाइनली कर ली। तो अब जो है वो हाँ, तो क्या है कि बंगाली शादियों में ना रिचुअल्स बहुत अमेजिंग होते हैं, बहुत अच्छे रिचुअल्स होते हैं। तो उनमें से एक रिचुअल ये भी है कि ये हालांकि सिर्फ बंगाली में नहीं, सारे उसमें है, सारे शादियों में ऐसे होता है यूजुअली कि जो न्यू मैरिड कपल्स होते हैं उनको इनविटेशन मिलता है अलग अलग फैमिली से, उनको इनवाइट किया जाता है और उनको खाने पे बुला के फिर अच्छा-अच्छा पकवान खिलाया जाता है, अच्छा-अच्छा खाना खिलाया जाता है। तो अभी बेस्ट पार्ट, यस एग्जैक्टली, दिस इज द बेस्ट पार्ट। तो अब ऐसा है कि वो इनविटेशन हमको आ चुका है, सबसे पहला इनविटेशन, क्योंकि ये ब्लॉग फूड, म्यूजिक और ट्रैवलिंग का है, तो हमने सोचा क्यों ना इस पर ही ब्लॉग बनाया जाए। तो हमारी जो ये ब्रेकर्स दिल्ली के, यार बहुत बुरे हाल, आई मीन यूपी दिल्ली हर जगह का ब्रेकर का बहुत बेकार हाल। तो मेरी जो गुरु माँ और मेरे गुरुजी जो हैं, उन्होंने सबसे पहले हमको इनवाइट किया आज, तो अभी हम उनके घर जा रहे हैं। गुरु माँ और गुरुजी, एंड ट्रस्ट मी, इनके घर जाके खाने के लिए मैं डेस्परेटली वेट कर रहा था, क्योंकि जो हमारी गुरु माँ है शी इज वंडरफुल कुक, वंडरफुल मतलब उनका फूड बनाने का जो तरीका है, सर्व करने का तरीका है, स्वादिष्ट तो होता ही है, बट उस फूड के पीछे क्या रीजन है, उसको वैसा क्यों बनाया गया है, वो एक बहुत अच्छा डिस्क्राइब करती है। वो हर चीज़ के बारे में डिटेल में बात करती है। तो अब हम उनके घर जा रहे हैं और वहाँ जाके मिलेंगे उनसे, आगे की बातचीत उसके बाद। ये बताने की जरूरत है क्या? कुछ था नहीं बोलने के लिए, तो सोचा नहीं बोल लेते। By the way, she is mom, she is my wife, and it's me. And I think so everybody would inspire to be a mom-in-law like me. Definitely, I'm going to give you more and more and more tips. আলু চিজ কাটলেট এটা কো বাড়িতে বানানো কি সুন্দর বাইরের বলো তো প্রিজারভেটিভস হয় সো আই থিংক সো ইন দিস ডেজ উই মাস্ট অ্যাভয়েড দিস লিটল লিটল থিংস এন্ড বি গো টুয়ার্ডস মোর হেলদি থিংস ইউ নো
এগুলো তো খেতে ভালোই লাগে সো ওয়াই নট টু ইউ নো গিভ সাম টাইম এন্ড মেক সামথিং দ্যাটস ফ্রেশ এন্ড হেলদি तू खाते रहियो, तू मत रुकियो, ठीक है? तू खाते रहियो बस। देखो पूरा प्लेट खत्म कर दिया इसने, देखो। है ये देखो, 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 चाय वाय सब खत्म कर दी। मुझे चो। तो आज के तुमरा हमारे भाषा ऐस चो। भालो भाषा नहीं है। সেটা একটা খুব আনন্দের দিন আজকে সত্যি করে আনন্দ মনে প্রাণে আর অসুবিধা কিছু নেই অসুবিধা কিছু পড়ছে দাল 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 পুরো ফিলটাই খারাপ হয়ে যাবে দাল বললে মুখের দাল এটা লেন্টিল সুপ বলে যে যেভাবে ভীষণ ফেমাস মুখের দাল ঘি শুকনো লঙ্কা দিয়ে সিম্পল বাট ইয়েট ভেরি 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 ডিলিশিয়াস অ্যান্ড আমরা সবসময় লাইটার থিং জিনিস দিয়ে উই স্টার্ট দি মিল So this is something that is not much heavy on your tummy. And Wow, Fatima, next level. Next, ये जो combination है ना दाल के संग ये बैगन जिसको हम बेगुन ही कहते हैं बेगुन भाजा बेगुन ही बेगुन ही एक्चुअली बेगुन विद बैटर तो ये जो कॉम्बिनेशन है दुनिया का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है ब्यूटीफुल खाना चिंगड़ी माचे मलाई करी तो चिंगड़ी माचे मलाई चिंगड़ी माचे मलाई करी वाओ टू द हाई प्रोटीन फिश डाइट चिंगड़ी माचे मलाई करी मलाई मलाई बोली बट एक्चुअली हम रहते हैं कि मलाई करी तो मलाई अगेन ने इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द कोकोनट द मस्टर्ड तो कोकोनट मस्टर्ड पेस्ट दिए तार करे थे दिस इज प्रिपेयर्ड एटा आवर एक आइकॉनिक ट्रेडिशनल डिश ऑफ सो दिस इज प्रॉन और आगे की बात काफी में बताएंगे दिस इज प्रिपेयर्ड विद बागदा चिंगड़ी सो बागदा चिंगड़ी इज टाइगर प्रॉन से तो मतलब है तो बिकॉज़ द गोल्डा चिंगड़ी व्हाट हैपेंस यू नो द साइजेस डिफर्स ओके द साइजेस ऑफ द प्रॉन्स डू मैटर व्हाट काइंड ऑफ रेसिपी आर वी कुकिंग सो दिस रेसिपी स्पेशली is preferred I would not say that it is not done yes definitely it's done but is preferred mostly with this kind of you know size so it's better
yaar, and this is with coconut and mustard paste. Wow. Oh my God. Kashmiri mein pehli baar. This is the sweetness of the coconut milk and the pungent mustard, right? Huh? And beautiful. Not to forget the mustard oil. Mustard oil, yeah. इस खाने का सुकून जो रहता है वो चम्मच से खाने में नहीं है, जो हाथ से खाने में So the next item is chicken dak bungalow. मैं सुधू ना. Oh boy, next level. Wow 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 wow. काकी माँ क्या बात? क्या बात? Wow. I cook remembering my ma and my grand Dida and Samu. वो लोग बहुत बहुत अच्छे chef होंगे अपने time के master chefs. ये कॉम्बिनेशन हमारे शायद वेज बंगाल साइड में ही कॉम्बिनेशन ये है जो चिकन के साथ अंडा भी है जो उसके साथ ही बनता है एंड आलू यस आलू भी है तो ये कॉम्बिनेशन मेरा वेस्ट बंगाल का ही एक ऑथेंटिक कॉम्बिनेशन है विदाउट आलू नो बंगाली ডাক বাংলোতে ফুল চিকেন আর তার সাথে যে ইয়ে যে ব্রিটিশার্সরা অচানক সে ভিজিট ইয়ে করতো ঠিক আছে ইন দেয়ার বাংলোজ রাইট হ্যাঁ তখন যে ওইখানকার যে খানসা যে ইয়ে আছে তো সে কোথা থেকে কি অ্যারেঞ্জ করবে সে ইয়ে থেকে যে ইয়ে ওদের যে পোলট্রি ফার্ম ইয়ে থেকে পুরো একটা চিকেন কে ধরে নিয়ে আসতো and with the whole hot spices এর সাথে রান্না হতো তো এটা রান্নাই হয় স্লো কুকিং এতে আচ্ছা and rustic flavor you're getting না it's not a urban flavor it's a rustic flavor that you're getting so ওই জন্য তে কি হয় কম spices এতে রান্না ও এই এরকম হবে না নিজে থেকে তো তেল ছেড়ে ছেড়ে এটা নিজে থেকে ইয়ে ছেড়ে ছেড়ে গেল আচ্ছা फिरनी केसर फिरनी दिस इज अगेन अ मुगल प्रिपरेशन लव केसर फिरनी मेड आउट ऑफ केसर बटर इट्स कोल्ड इट्स लाइट सो इट्स अ गुड स्टार्ट फॉर मी वेदर होएगा तो इट्स अ गुड स्टार्ट फॉर दिस स्वीट डिश यस Wow. अरे वाह खीर जैसा ही है बट खीर से थोड़ा अलग टेस्ट इसका बाय बाय थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग अस